मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। यीशु आपसे ज्यादा प्यार करने के चलते प्रतिदिन आपसे बातें करते रहता है, हिम्मत देता है और शांति देता है और प्रतिज्ञा देता है। आज परमेश्वर के वचन को देखिए, भजन 121 अध्याय 4 वचन में, सुन इसराइल का रक्षक ना ऊंगेगा और ना सोएगा। हमारा रक्षक यीशु हमारा साथ रहता है, इसलिए वो हमेशा न ऊंगेगा और न सोएगा। आंखों में पलक जबकि भी नहीं लेते, दिन रात रक्षा करने के लिए चौकसी करते हैं। क्यों जागते रहता है? हमेशा रक्षा करने के लिए। कभी भी जो है खतराएं हम पर आ सकती है ना, दिन में रात में आंखों में ना दिखने वाली विपत्तियां, जब यात्रा करते हैं आना जाना करते हैं बहुत ही खतरा रहता है ना। जहाँ ठहरते हैं वहां पर सेवा में जहाँ बाहर निकलते हैं कोई भी विपत्ति नहीं आना है, वो रक्षा करता है। दिन रात वो हमें रक्षा करता है। इतना अच्छा भला परमेश्वर रहने से आपको क्यों डरना है? मेरा बेटा मेरा बेटी, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा संग रहता हूँ। परिस्थितियां तुमको डराती है ना, कभी नहीं डरना। इसराइल का रक्षक मैं कभी ऊँगता नहीं कभी सोता नहीं। इसराइल के रूप में बदलना है, अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करके तुमको बदलना है। अर्पण करेंगे, जीवन बदलना है, मेरे जीवन में तू आना है, मेरे साथ हमेशा तू रक्षा करना। प्रार्थना करेंगे, पिताजी आज जो कोई आपको ग्रहण किए इसराइल के रूप में, संतान के रूप में जो कोई आज बदले हैं, उन सबको तू आशीष दीजिए। सारी परिस्थितियों में उनको रक्षा कीजिए प्रभु, हमेशा तेरी उपस्थिति उनका साथ रहना है। सारा डर को इनके मन से दूर कीजिए। ईश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन।